इन द फॉलोइंग आइटम्स एंड मॉलिकुलेट्स फॉर द ट्रांजेक्शन फ्राम एन इज इक्वल टू 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 एन इज इक्वल टू वन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ मिनिमम वेव लेंथ विल बी प्रोड्यूस्ड बाय तो यहाँ पर आप क्या करते हो एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास आप वन बाय लैमडा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पे आर जेड स्क्वायेर टू वन अपॉइंट वन स्क्वा माइनस वन टू होता है ठीक है अब यहाँ पे वैल्यू आपको पूछी गई है मिनिमम वेवलेंथ की तो वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है तो जेड जिसका सबसे बड़ा उसकी वेवलेंथ सबसे कम तो जेड किसका सबसे बड़ा होएगा तो यहाँ पे लीडियम इज़ द हैविएस्ट तो ये आपका आंसर हो जाएगा